नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आपका स्वागत है। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन मकान इसमें एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम शांति और सुरक्षा के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो अपना एक अस्थायी मकान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे परिवारों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य रखा गया साल 2022 तक ऐसे सभी गरीब परिवारों को अपने आवास की सुविधा मुहैया कराना जो अभी इसमें सक्षम नहीं है। आइए देखते हैं किस तरह से चतरा के कसियाडीह क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना से यहाँ के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मेरा भी कोई घर हो, यह हर व्यक्ति का सपना होता है, और वह सपना जब साकार होता है तो उस दिन वह व्यक्ति अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता है। ऐसा ही कुछ राज्य के चतरा जिले के कसियाडीह गांव के बेघर गरीब परिवार के साथ भी हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत हमारी टीम आज आप पहुंची है चतरा जिले के कसियाडीह गांव में। ये सदर प्रखंड के अंतर्गत आता है, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री रंथू महतो जी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सीमा, जब भी प्रधानमंत्री आवास 15-16-17 के लिए जब ये हुआ तो उस समय यहाँ शुरुआत के दौर पर 300 आवास यहाँ स्वीकृत हुई, और उससे पहले जो है ग्रामीणों में जो है ग्रामीण आवास जो हम लोग भ्रमण करते थे तो अधिकतर कच्चे आवास मिल रहे थे। सभी ग्रामीणों को ये मांग होती थी कि पक्का आवास हम लोग को मिले। इससे पूर्व इंदिरा आवास में लाभ मिलती थी लेकिन उतनी मात्रा में नहीं थी। अभी सरकार की जो सोच है कि प्रधानमंत्री आवास या गांव में भी 2022 तक एक भी कच्चा घर ना बचे, इसी सोच को देखते हुए सरकार जो है ये आवास देना शुरू की। और इसका परिणाम ये हुआ कि इस पंचायत में पहला फेज में 300 आवास जो है वो स्वीकृत हुई, और लगभग हम समझते हैं कि 300 में दो चार को छोड़ के मैंने लगभग कंप्लीट हो गए। उसके बाद भी 17-18 का आवास मिला, 18-19 का आवास मिला, अभी 19-20 का आवास मिला। करीब करीब हम समझ रहे हैं कि 500 से ज़्यादा आवास इस पंचायत में स्वीकृत हो चुके हैं। और आवास केवल आवास ही नहीं मिलती है, आवास के साथ देखिए कि वो उनके साथ उनके शौचालय का भी प्रबंध है उसमें, उसके साथ उनको बिजली का जो है बिजली का मुफ्त कनेक्शन मिल रही है, मुफ्त गैस कनेक्शन मिल रही है। मैंने ग्रामीणों का जो अपना रहन सहन जो है उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया है। कसियाडीह गांव के वैसे बेघर गरीब परिवार के लोग जो कल तक मिट्टी के कच्चे मकान, झुग्गी झोपड़ी या फुटपाथ में रहकर जिंदगी जीने के लिए बेबस थे, वैसे बेघरों के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना एक नई रोशनी की किरण बनकर सामने आई है। हमारा पहले पुरखौती मकान खपड़ेल मकान था जिसमें बरसात के दिनों में भी रहने में दिक्कत होती थी, कभी पानी चूहा, कभी सोए हुए हैं तो खटिया कभी इधर से उधर करना, तो रहने में भी बहुत परेशानी होती थी। और हम जो है सो समझ भी नहीं, सोच भी नहीं पाए थे कि हमारे द्वारा पक्किया मकान बनेगा। लेकिन चाहे जैसे भी हो, पंचायत के माध्यम से, जिला के माध्यम से या सरकार के माध्यम से हमको प्रधानमंत्री आवास मिला। प्रधानमंत्री आवास में हमको किसी तरह से कोई भी एक नया पैसा का घूस भी नहीं लगा, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमको एक नया पैसा नहीं लगा। सरकार के द्वारा जितना भी पैसा मिला सब हमारे खाता में पैसा मिला, उसमें 1,30,000 रुपया हमारे खाता में आया और 15,300 रुपया के लगभग जॉब कार्ड में आया मनरेगा के तहत। और क्या क्या सुविधा मिला उसके अलावे में? फिर गैस कनेक्शन मिला, जिससे कि उससे तो और लाभ मिला गैस कनेक्शन से, कि जंगल से जो हम लाते थे लकड़ी जलावन वो बच गया, हमको जंगल जाने की ज़रूरी नहीं, उससे खाना बनाने में समय का बचत, घर में धुआं होता था उससे भी बचत हुआ, बच्चों को भी राहत मिला। उसके अलावे फिर जो है सो शौचालय मिला हमको, शौचालय जो सबसे बड़ी उपलब्धि तो अभी हमको हमारे लिए शौचालय का हो गया, कि जो कि कभी कल्पना भी नहीं सोचे थे
घर, गैस और शौचालय, ये तीनों चीज़ हमको मिला सरकार की ओर से। सरकार की ओर से। और कभी सोचे थे कि जिंदगी में कि नहीं इतना किसानी करके ये सब चीज़ कर लेंगे? इतना दिन कमाने के बावजूद में ये सब कभी हमने नहीं सोचा, कल्पना भी नहीं सोचा किया था कि मकान, पकिया मकान में हम रहेंगे। सो इसलिए कि खेती से उतना उपज या उतना बेनिफिट हम लोग नहीं ले पाते हैं जितना कि होना चाहिए। इसलिए सरकार को तो हम इसके लिए बधाई देंगे कि हमरे जैसा आदमी भी कच्चिया मकान छोड़ करके पकिया मकान में अब अपना जीवन बसर कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक कसियाडी गांव के कई परिवारों के पक्के घरों का सपना साकार हुआ है। कसियाडी गांव के लाभुक परिवार के लोगों ने बताया कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे कभी पक्के घरों में रह सकेंगे। परेशानी होता था कि समय पर ही हम लोग फेरा नहीं सकते थे। अच्छा। बना नहीं सकते थे, गरीब आदमी कमाने मरम्मत नहीं कर पाते। हाँ, मरम्मत नहीं करने सकते थे, कमाने खाने में दिक्कत था, कमाने खाने वाला आदमी है, चुता था इस तरह। आपके पति क्या करते? बरसात में किसान का काम करते हैं, कम मजदूरी काम करते हैं। अच्छा। तो ये मजदूर वाला काम जानबे करते हैं। अच्छा। कि क्या अथी होता है सो। तो कौन कौन लोग आए थे जो आपको प्रधानमंत्री आवास देने के लिए प्रखंड से, कौन कौन लोग आए, क्या बताए उसके बारे में? ये वाला मिलेगा आप लोग का, और बनाइएगा अच्छा तरह से। क्या क्या कागज पत्र वगैरह कुछ मांगे? कागज पत्र नहीं, कागज पत्र नहीं मांगे थे भाई, आधार कार्ड फोटो वोटो खिंचाए थे, बैंक खाता वही सब। कितना पैसा इसके लिए मिला? इसके लिए 1,30,000 पैसा मिला था, 4-5 किस्त करके। अच्छा। इसके बाद कुछ मजदूर के लिए मिला, मनरेगा का मजदूर कार्ड बना, जॉब कार्ड बना होगा। हाँ, जॉब कार्ड उसमें भी पैसा मिला। हाँ, मतलब मोटा मोटी हम बोले ना कि 16,000 रुपया मोटा मोटी मनरेगा से मिला। मनरेगा से मिला। अच्छा। और क्या क्या सुविधा मिला प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ में? किचन रूम है और शौचालय है, गैस है। कितना मिला मकान के लिए पैसा? 1,30,000। अच्छा। और कुछ मिला ऊपर से? ऊपर से मिला है, गैस से मिला है। अच्छा, गैस चूल्हा भी मिला? हाँ, सब कुछ है। और शौचालय भी मिला? हाँ। पहले शौच के लिए कहाँ जाते थे? कौन सी गैस? नहीं, पहले शौच के लिए, लैट्रिन के लिए कहाँ जाते थे? बाहर जाते थे, खेत में। हाँ। कितना खराब लगता था? जो लगे, अब तो पहले वही था, जैसे पहले निकलते थे चल जाते थे, यार अब तो नहीं जाते हैं। और अब जब शौचालय मिल गया तो शौचालय का प्रयोग करते हैं? जी हाँ। और गैस में खाना बनाने में भी आसानी होता होगा? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए आप करते क्या हैं बाबा? खेतीबाड़ी। तो खेतीबाड़ी से कभी सोचे थे कि पक्का का मकान बना लेंगे? नहीं, जिंदगी में नहीं हम सोचे थे। अच्छा। कि नहीं है पारेंगे। तो जब नहीं सोचे थे तो अब बताइए, सरकार के ओर से जब ये मिल गया तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे? आप आशीर्वाद देंगे कि खुशी है हम लोग को भी मिल गया, हम लोग भी आराम में, सरकार भी आराम में रहत। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं हो। लाभुक परिवारों की माने तो सरकार द्वारा पक्के मकान मिलने से उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया है। मुखिया जी के थ्रू बताया गया कि आ गया है आवास, कुछ थी दो प्रमाण अपना, जो कार्ड और ये आधार कार्ड, तो हमने दिए उनको, तब मकान प्रधानमंत्री द्वारा बना, जो कि अभी सुविधा है सर, बहुत अच्छा से इसमें शौचालय है और ये गैस का कनेक्शन वगैरह मिला। हाँ, बिजली कनेक्शन है, गैस तो अभी नहीं मिला सर, लेकिन बिजली का कनेक्शन वगैरह सारा कुछ मिल गया है सर। कितना जीवन में बदलाव आया आपका? हाँ, बदलाव तो पूरा आ गया सर, कि बाहर नहीं जाना पड़ता है, भिंजा लकड़ी से खाना नहीं बनाना पड़ता था, पूरा धूप फूक धुआं धुकार से भर जाता था सर मकान, और वो पानी बूंद गिरती होता था, तो अब तो बहुत सा सुविधा हो गया सर, कि समय का भी बचत हुआ। पहले आप शौच के लिए खेत में जाते होंगे, उसके लिए समय लगता होगा, उसके लिए भी समय, आप बहुत बारिश और लकड़ी वगैरह लाते होंगे, उसमें भी समय लगता होगा, समय लगता था, और बारिश वरिश पड़ता था तो दिक्कत भी होता था, हमारे मतलब पूरा सुविधा है सर और अच्छा है, और सब मुखिया जी की और सब जिला परिषद सब
मैंने प्रणाम करते हैं प्रधानमंत्री को भी प्रणाम करते हैं कि हम लोग का अच्छा सुविधा मिल गया, सुरक्षित बाल बच्चे पढ़ रहे हैं और अभी सब कुछ का प्रबंध है। मेरा नाम रामेश्वर पांडे है, घर मेरा कसियाडी और पहले जो है सो खपरेला मकान था, कभी सांप निकलता था, कभी बिच्छू निकलता था, कभी रात में पानी बरसने लगता था तो यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ जाना पड़ता था। उसके बाद मुखिया जी के मार्फत जो है सो जानकारी हुआ कि इंदिरा आवास है, प्रधानमंत्री आवास है। उसके बाद प्रक्रिया स्टार्ट हुआ और घर जो है सो बन गया। कितना पैसा मिला? 1,30,000 रुपया पहले और 16,000 रुपया लगभग और मनरेगा से। अच्छा, और क्या क्या सुविधा मिला उसमें? और गैस है। अच्छा, और उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन मिला? जी हाँ। और ये शौचालय भी है। शौच के लिए पहले कहाँ जाते थे? जंगल में जाते थे, जंगल में, खेत में बहुत दिक्कत हो, बहुत परेशानी होता था। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर हाँ हर समय हर समय। आप शौचालय का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। परिवार को भी करवाते हैं? बिल्कुल सर, सारा परिवार उसी में। तो देखा आपने किस तरह से इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है और इनके जीवन स्तर में भी आज बदलाव आया है, साथ ही साथ इससे क्षेत्र का विकास भी जुड़ा है। इसी के साथ कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और लिए चलते हैं आपको पश्चिम सिंहभूम के मोहनपुर क्षेत्र में, जहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बेटियों को शिक्षित किया जा रहा है। दरअसल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत बेटियों को शिक्षा और समानता का अधिकार प्राप्त कराया जा रहा है, साथ ही साथ सुरक्षा और समृद्धि भी दी जा रही है। इसी के तहत देखते हैं किस तरह से इस योजना से इस क्षेत्र की लड़कियों को लाभ मिल रहा है। भारत में महिलाओं को सशक्त करने तथा उनके लिंग अनुपात को बनाए रखने के लिए कन्याओं को बचाना एवं उनको शिक्षित करना अति आवश्यक है, ताकि वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सके। मेरा नाम है शोभा खलखो, मैं नया गाँव रेडी की हूँ और मेरा पिताजी एक खेती बाड़ी का काम करते हैं और मेरी माँ एक गृहिणी है। मैं यहाँ KGBB मनोहरपुर में पढ़ती हूँ 12th क्लास में। तो हमारे भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाए हैं, इसके बारे में मैं कुछ दो शब्द कहना चाहती हूँ। जब तक कि लड़की का 18 वर्ष नहीं होती है, लड़कियों की शादी नहीं करना चाहिए। ऐसे अगर हम लोग लड़की की अगर 18 वर्ष नहीं होती है और उससे नीचे शादी की जाती है तो वह एक मानसिक रूप से विकसित नहीं हो रहती, उसका शरीर परिपक्व नहीं होता है और वो शादी हो जाती है छोटी उम्र में, जिसके कारण उसके ऊपर अनेक प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है। वे एक बच्चे को जन्म देती है और वो कुपोषित हो जाती है। जब तक लड़की 18 वर्ष नहीं होती है तब तक हमें शादी नहीं देना चाहिए और सबसे पहले हमें यह शिक्षित होना चाहिए कि हमें लड़कियों को पढ़ाना चाहिए ताकि लड़की भी पढ़ सके और एक अच्छे नौकरी कर सके। लड़कियों को क्यों पढ़ाना चाहिए? लड़कियों को इसलिए पढ़ाना चाहिए क्योंकि पहले हम देखते थे कि लड़कों को जोर दिया जाता था पढ़ने लिखने में, लड़कियों के ऊपर ये पाबंदी था। लड़की को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए लड़कों की तरह, ताकि लड़की भी अच्छे तरह से पढ़ लिख सके। माँ बाप सोचते थे कि लड़का पढ़ के हमें देखे, लेकिन ऐसा बात नहीं है, लड़की भी पढ़ लिख कर माँ बाप का रखवाली कर सकता है। बेटी पढ़ाओ में जैसे अगर बेटी पढ़ी लिखी रहेगी वो किसी का जैसे कि दबाव में वो नहीं दब सकती है, अगर बेटी पढ़ी लिखी नहीं रहेगी तो किसी का दबाव में वो आ सकती है। और बेटी को पढ़ाना सख्त जरूरत है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। आजकल हर क्षेत्र में पढ़ाई से संबंधित है, क्योंकि पढ़ाई बिना ये दुनिया पढ़ाई अगर नहीं होगी तो हम लोग का पूरी तरह विकास नहीं, समझ नहीं पाएंगे क्या सही है क्या गलत है, इसलिए हम लोग को पढ़ना जरूरी है। आज भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चियों को गर्भ में ही मार देते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
सबसे पहले उन्हें मैं शिक्षित करूंगी, क्योंकि वो नहीं जानते, क्योंकि उन्हें भी अगर ऐसा भ्रूण हत्या के लिए भी उन्हें भी किसी का दबाव के कारण वो करते हैं। इसमें अगर जैसे कि लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती है और पुरुष पढ़े लिखे होते हैं, जैसे कि पुरुष मतलब उस पुरुष के परिवार में माता पिता भी होते हैं जो उनको पता नहीं रहता है कि अब माता के गर्भधारण में लड़की या लड़का है, जिनके कारण उन्हें मार दिया जाता है। अगर हम लोग पढ़े लिखे रहते हैं कि अगर बेटी हो या बेटा दोनों को समान है, एक दिन बेटी भी माता पिता का रक्षा कर सकते हैं और बेटा भी कर सकते हैं। इसीलिए हमें जैसे कि बेटी को बोलते हैं कि बेटी होकर बस वो बोझ बढ़ाएगी और कुछ नहीं कर सकती है, जिसके कारण उन्हें मार दिया जाता है। हमारे देश की केंद्र सरकार ने बच्चियों को शिक्षित करने के महत्व को समझा तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिलाओं को सशक्त करने की तरफ एक सराहनीय कदम उठाया है। सबसे पहले बेटियों को घर अंदर और चार दीवारी के अंदर ही रखा जाता था। आजकल देखा जा रहा है कि बेटियां पढ़ लिख के बहुत कुछ कर सकती है, इसीलिए बेटियों को अभी आगे बढ़ाना चाहिए। और पहले लड़कों को पढ़ाया जाता था, लड़का पढ़ लिख के नौकरी कर सकते थे लेकिन लड़कियाँ नहीं कर सकती थी, लेकिन आज लड़कों के जैसे लड़कियों को भी अधिकार मिलना चाहिए, अधिकार मिलनी चाहिए ताकि लड़की भी पढ़ लिख के आगे कुछ कर सके और लड़की शिक्षित हो। आप आगे पढ़ के क्या बनना चाहती हैं? हम आगे पढ़ के एक नर्स बनना चाहते हैं। क्यों नर्स बनना चाहते हैं? देश नर्स बनना इसलिए चाहते हैं क्योंकि समाज के सेवा के लिए हम पहले से ही देखते आ रहे हैं कि लड़कों की अपेक्षा कम आज़ादी दी गई थी। पहले के जो हमारे समाज में देखते आ रहे हैं कि समाज के लोगों का कहना होता है कि जो लड़की होती है वो पढ़ लिख जाएगी, पढ़ी लिखी होगी, फिर भी तो एक दिन वो ससुराल चली जाएगी और वो दूसरों का घर में काम करेगी, हम लोग का बुढ़ापा का सहारा तो नहीं बन सकती है, ऐसे उन लोगों का कहना था। और लड़कियों को कम मतलब पढ़ाया नहीं जाता था और लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक पढ़ाया जाता था, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि लड़का जो है वो पढ़ लिख कर एक दिन बुढ़ापा का सहारा बनेगा। लेकिन इन लोगों का जो धारणा है वो गलत है, क्योंकि लड़की भी अगर लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को भी उसी की तरह स्वतंत्र दी जाती है और उन्हीं की तरह पढ़ाया जाता है तो लड़की भी लड़कों से कम नहीं है, वो भी एक दिन आगे से मतलब लड़कों से कंधे मिलाकर आगे बढ़ जाएगी। हम लोग आजकल देख रहे हैं कि लड़की भी किसी भी काम में चुकती नहीं है, हर क्षेत्र में वो प्रगति की ओर बढ़ते ही जा रही है। यहाँ शिक्षकों की मेहनत, बच्चियों की लगन और समाज एवं सरकार के सहयोग से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहा है। लड़की पढ़ेगी तो एक महिला शिक्षित तो पूरा समाज शिक्षित होता है, क्योंकि महिलाएं घर से लेकर बाहर तक सभी जगह उनका मतलब सहयोग बहुत सराहनीय रहता है। अगर महिला शिक्षित होगी तो पहलू पर हर एक कदम पर वो लोगों को सही चीज़ बतला सकती है। महिला शिक्षित होगी तो वो बच्चों से लेकर के और जो बाहरी जहाँ पर वो कार्यरत हो या कुछ कार्य के लिए बाहर जाती है तो शिक्षित होगी तो वो सही निर्देश दे सकती है, सही समझ ला सकती है और लोगों को दिशा निर्देश वो दे सकती है। बहुत सारे ऐसे भी गार्जियन हैं जो अभी भी बच्चियों को अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता करके भ्रूण हत्या करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत बुरा है, इस तरह की ये भ्रूण हत्या का बात बहुत है। पहली बात है कि भ्रूण हत्या के लिए ये लिंग जांच होना ही नहीं चाहिए, और जब जो करते हैं और इसके लिए भ्रूण हत्या करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा अपराध है, जघन्य अपराध है, और ये कभी होना ही नहीं चाहिए। और इस तरह के जो की मानसिकता है कि मैं ये इस तरह का करूं तो उनके रोक के लिए हम लोगों को पूरा प्रयास करना चाहिए, समझदारी से उनको मतलब काम लेना चाहिए, सबको समझाना चाहिए परिवार लेवल पर सभी दंपतियों को और ये स्वास्थ्य विभाग का और हर एक समझदार नागरिकों को इस संबंध में उनको बोलना चाहिए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज में लड़कियों के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना तथा बच्चियों को उच्च शिक्षा देने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। श्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चलाया है वो हमारे देश में जितने भी उपस्थित स्त्री या तो बेटियां हैं उनको उनके हानि से बचाने के लिए चलाया है। जैसे कि हम देखते हैं कि पहले ज़माने में हम देखते थे कि बेटियों को सिर्फ बोला जाता था कि तुम्हें ससुराल जाने के बाद आग ही फूकना बोल करके उसे पर्दा के पीछे ही रखा जाता था, जिसके कारण जो है हमारे
हमारी बेटियां नहीं पढ़ पाती थी और लड़कों के समान अधिकार में नहीं आती थी और इस प्रकार से लड़का और लड़कियों के बीच भेदभाव होता है। ऐसे भेदभाव के कारण जो है हमारे बीच कई ऐसे स्त्रियां हैं जिन्होंने चंद्रमा की रोशनी से भी पढ़ाई की, जैसे कि ज्योतिबाई फुले आदि स्त्रियों ने चंद्रमा की रोशनी से पढ़ाई किया और अपना विकास किया, लेकिन होने से भी ये जो बेटी और बेटा में जो भेदभाव था वो ख़त्म नहीं हुआ। इसीलिए हमारे भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया जिसके कारण जिसके द्वारा बेटियों को पर्दा के पीछे से बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहन किया, जिससे कि बेटियां हमारे पुरुषों के समान अधिकार के हकदार हो सके, इसके लिए हमारे भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने इस अभियान को चलाया है। आपके नजर में ये अभियान जो है कार्यक्रम है कैसा लग रहा है? मुझे यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो है हम लोग देखे जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जब चलाया गया तो भारत सरकार द्वारा और भी अन्य अभियान लागू किया गया, जैसे कि सुकन्या योजना, इसके कारण जो है बेटियों को या पैसा दिया गया जिससे वे आगे की मतलब पढ़ाई कर सके और बेटियां जो है अपना जीवन को संवार सके। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बच्चियों के लिए भी वैकल्पिक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका उच्च विद्यालय की व्यवस्था भी महिला सशक्तिकरण और सर्व शिक्षा अभियान के तहत की गई है। निश्चित तौर पे शिक्षा, इनके स्वास्थ्य को लेके और अन्य कई तरह की जो जागरूकता है उसमें इन लोगों का बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। शिक्षा की एक जो इनकी स्थिति है काफ़ी यहाँ सुधरी है, चूँकि ये शैक्षणिक सह यहाँ पे आवासन की भी सुविधा है तो इनका पोषण भी इसके साथ हो जाता है। दूसरा है कि अभी हाल में ही इन लोगों के खाते में किसके खाते में पैसे गए थे? सबके खाते में पैसे गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कार्यक्रम किया गया था उसमें इन लोगों के खाते में 2000 रुपये डाले गए, तो इससे भी एक इसको छात्रवृत्ति कह लें या फिर तो वित्तीय सहायता की बात आपने कही। अगर हम माननीय कस्तूरबा जी की बात करते हैं तो कस्तूरबा जी खुद असाक्षर थी, लेकिन वो उस समय आज से आज़ादी के पूर्व उन्होंने एक सपना देखा था कि हमारे देश की महिलाएं जो हैं बच्चियां हों वो पढ़ी लिखी हों आर्थिक रूप से सशक्त हों। अगर हम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बात करते हैं तो इस विद्यालय के माध्यम से कितना बदलाव आया हमारे समाज में? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि बौद्धिकता का शिक्षण या सांस्थानिक शिक्षा से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। नहीं तो हमको याद है कि आज से 50 वर्ष पूर्व या आज़ादी के पूर्व भी महिलाएं साक्षर नहीं होती थी, परंतु बुद्धिमत्ता जो है वो शैक्षणिक पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं होता है। निश्चित तौर पे ये उनका बहुत ही बेहतरीन विजन था, वो इस बात को समझती थी क्योंकि वो खुद निरक्षर थी। वही व्यक्ति किसी कमी को जो महसूस करता है वही उसको लेके आगे बढ़ता है। कस्तूरबा विद्यालय ने कम से कम इस मामले में भारत में बहुत योगदान दिया है। अब मेरी मान्यता ये है कि कस्तूरबा विद्यालय को प्रत्येक प्रखंड में दो दो खुलना चाहिए, बालकों पे भी। अब इसी तरह की एक व्यवस्था बालकों के साथ भी होनी चाहिए, क्योंकि कस्तूरबा विद्यालय में वैसे ही छात्राएं आती हैं जो कहीं ना कहीं गरीबी रेखा से नीचे हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आती हैं, उनको वैसी व्यवस्था नहीं है। तो अगर इस दिशा से हम मुख्य धारा से कटे हुए लोगों को अगर पढ़ा पा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अचीवमेंट की बात है। तो देखा आपने किस तरह से इस क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से आज यहाँ की लड़कियाँ लाभान्वित हो रही हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रही हैं और इनकी ज़िंदगी में भी आज कई बदलाव आ रहे हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।